भाई क्या हाल चाल है सबके। भाई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा जो कि बहुत ज्यादा बुरी चल रही है आजकल, सारे गार्ड्स की रिस्पेक्ट करो यार। सब भैंस की आंख, सारे गार्ड से नीचे बाहर भी सोसाइटी में भाई वो परेशान चल रहे हैं कि हमारे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। ऐसी गलत बात है, देखो सबकी रिस्पेक्ट करो, सबसे प्यार से बात करो। नीचे अनिल भैया परेशान थे, हमने थोड़ा समझाया। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक नहीं, 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 गार्ड्स की एक और बात, जैसे आर्मी ऑफिसर्स की पुलिस ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट करते हो ऐसी सिक्योरिटी ऐसे से रिस्पेक्ट को मत तोलो भाई। प्यार से बात करने करो यार, उनसे प्यार के भूखे बस सिर्फ हो, हमारे माँ बाप की तरह ही है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो टॉपिक क्या है आज का भाई? आज का टॉपिक है भाई कॉन्फिडेंस इज किंग। किंग है भाई, मैं ये बोलूंगा कॉन्फिडेंस क्या है यार, अपने अंदर फेथ रखना कॉन्फिडेंस है, अपनी जो चीज सोची हुई है उसे पूरा करना कॉन्फिडेंस है। कोई बुली हो रहा है ना, अगर जैसे मैं बुली हो रहा हूँ और मैंने उस चीज से ओवरकम कर लिया तो मेरे लिए वो कॉन्फिडेंस है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है ना कहीं तो ही मैं बुली नहीं हुआ। नहीं तो कॉलेज में भी भाई बंदे ले रहे होते हैं एक दूसरे की, वो बंदा दब जाता है। दबो मत, अपने ऊपर काम करो, वर्क ऑन योरसेल्फ भाई। यार अपनी चीजों के लिए करेज दिखाना और अपने डिसीजंस पे कायम रहना, किसी अच्छी चीज के लिए स्टेप्स उठाना, अगर तुम अपनी चीजों को कर रहे हो ना यार, वही कॉन्फिडेंस है। किसी से डरो मत, किसी से दबो मत, अपनी चीज जो मन में डिसाइड कर ली ना, जो तुमने डिसाइड कर रखा है बस उस चीज को करो, वो कॉन्फिडेंस है यार। ना डरूंगा ना दबूंगा, सिर्फ आगे बढ़ूंगा भाई। रुकना और थकना है मना बस भाई। अपनी लाइफ जो है ना अच्छे से कैसे जी सकते हो, कॉन्फिडेंस एक लाइफ का पार्ट है जो कि हमें भाई अपनी लाइफ अच्छी चलाने के लिए एक जड़ तक चाहिए। पास होऊंगा इस एग्जाम में या नहीं होऊंगा ये नहीं, पास होना है, इतना पढ़ूंगा कि पास हो जाऊं, इस खेल में आगे निकल पाऊंगा, कहीं ये वाला मेरे से ज्यादा तो नहीं कर लेगा भाई, वो भी तो मेहनत कर ही रहा है ना, कहीं ना कहीं वो दो रैप फालतू मार रहा है तभी तुमसे अच्छा होगा। और क्या, और यार फेलियर से बिल्कुल मत डरो यार, और अपने अंदर यार कॉन्फिडेंस क्या है यार, अपने अंदर फेथ रखना, अपनी जो अपनी मेहनत है यार वो दिखानी होती है खाली यार, यही कॉन्फिडेंस भाई। अगर आप लोग अपने ग्रुप में कुछ भी चीज अच्छी करते हो ना और उस चीज के ऊपर अपने आप को प्राउड फील करते हो तो वो भी एक कॉन्फिडेंस है भाई कि मैं ये चीज अच्छी करता हूँ अपने ग्रुप में, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है मेरे लिए। और मेरे बाकी ग्रुप मेंबर जो उन्होंने ये चीज सिखाऊंगा उसके लिए भाई तुम उन्हें बूस्ट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस दे सकते हो, बट वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं सकते। कॉन्फिडेंस अंतर आत्मा से आएगा, सूरत से नहीं सीरत से आएगा। और यार यहाँ पे खड़ा हूँ, पॉइंट्स खत्म हो गए पर बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस है भाई, क्योंकि तैयारी नहीं करी वीडियो से पहले, मैं पढ़ा है भाई, ये पढ़ के आ गया, अब बोल रहा है इसके तीन चार पॉइंट हो गए हैं, मेरे को पता है मैंने दो चीजें बोली है पर खड़ा हूँ, ये कॉन्फिडेंस है यार। आज व्यू चेंज करा है इसलिए कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि भाई व्यू भी चेंज करो, पब्लिक को नेगेटिव नहीं फील होना चाहिए। बिल्कुल, सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है भाई, प्यार आ रहा है अपने बंदों का, उनके दोस्तों का भी आएगा ना तो और ऊपर तक जाएंगे। रुकना नहीं है, मैंने ठान लिया भाई, वीडियो पे वीडियो डालूंगा, भैंस की आंख और सिल्वर प्ले गोल्ड प्ले बटन दबाऊंगा। और यार सारे काम करो यार, जो बंदे 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं यार, वो ऐसे दब जाते हैं दूसरों से, पता नहीं जैसे उन्होंने किसी ने उनकी पता नहीं गालियां सुन लेते हैं, गार्ड से उनसे कोई भी डिसरेस्पेक्ट करके चला जाता है। अभी एक भाई बता रहा था यार, उससे किसी लेडीज ने बोला तेरी औकात क्या है, अरे यार जो बंदा 12-14 घंटे काम कर रहा है उसकी औकात पूछने की जरूरत है यार। एक ही चीज बोली कि मैंने उसकी सिचुएशन समझी, क्या पता उसके बेटे ने उससे बदतमीजी से बात करी हो, इसलिए मैंने अपने आप को ऊपर करते हुए मैंने कहा सॉरी मैडम। ये उसकी दिलबरा को क्या बोलते हैं, मतलब भाई नहीं मतलब कि भाई ये उसकी बड़प्पन था उसका, ये बिल्कुल यार। उन्होंने इस लेवल पे उनको माफ भी करा और आगे भी बढ़े, तो मैं ये बोलूंगा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो भाई, आगे बढ़ना है आप लोगों को। ये नहीं सोच सकते कि भाई पैसा कैसे कमाएंगे, मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ढूंढोगे तो मिलेंगे भाई, ढूंढने से मिलेंगे। और एक और बात यार, सारे बोल देते हैं कि यार मेहनत तो कर लेंगे, कॉन्फिडेंस दिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास लाइन नहीं है भाई, घर पे बैठे बैठे लाइन नहीं मिलेगी, लाइन तो बाहर निकल के कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर निकलो घूमो फिरो, नौकरियों के लिए 100-100 फोन करने पड़ते हैं, 1000-1000 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, जब जाके कुछ मिलता है। मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करी मुझे यहाँ तक पहुंचाया, आज मैं आप लोगों के साथ आगे खड़ा होके बोल रहा हूँ, ये भी भाई एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है यार। तो पब्लिक तो भाई फेक आईडी बना के कमेंट कर देती है कि तू तो फोटो है, तू ये है, तू वो है। पब्लिक YouTube चैनल आज की डेट में हर कोई चलाना चाहता है, और मैं चाहता हूँ, मेरे को पता है हर कोई फेमस होना चाहता है, किसी में करेज नहीं है, बंद भी करता है, करेज ही नहीं है, दो डिसलाइक आएगी, दो गंदे कमेंट आएंगे। मैं तो आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई डिसलाइक भी करना है तो करो और मुझे कमेंट्स में बताओ, नहीं तो मुझे डीएम करके बताओ कि भाई तेरी ये चीज गलत है। दीपक करासी ने बताया था भाई ये पॉइंट तेरा गलत है, मैंने उस पे काम भी करा है और करूंगा और आगे। और ये मैं कर रहा है, ये भैंचोद हम दोनों खड़े हैं, हम दोनों का चैनल है, हम नहीं बोल रहा, अब देख रहे हो यार इसका कॉन्फिडेंस दब रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस दब रहा है, बट जिसने दबा दिया तो ये मेरी मोटिवेशन है, रियल मोटिवेशन। हाँ भाई, इसने सपोर्ट करा है बहुत और मैंने इसे सपोर्ट करा है, इसने कॉन्फिडेंस दिया उस टाइम पे जब मैं टूटा हुआ था, कॉन्फिडेंस दिया जब ये उभरा हुआ है यार, हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ चेंज करी है यार।
पब्लिक में फुल कॉन्फिडेंस है भैया, वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं कोने में, क्यों कर रहे हैं भाई, उनको उस चीज से अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि भाई आज मैं ये चीज करूंगा तो मेरे से कल चार बंदे पूछेंगे ना क्या करते हो, सुबह उठता हूं अपना रूटीन बनाता हूं, योगा करता हूं, नाश्ता भी खुद बनाता हूं। और एक एक और एग्जांपल दूंगा यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और तुम लोग इस चीज में ना इतना बिलीव करोगे यार, हर कोई कहता है विराट कोहली ये है, रणबीर कपूर ये है, ये वो है, और घर पे जो मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है, एक चीज ठान लो बस यार, तुम विराट कोहली नहीं हो, रणबीर कपूर नहीं हो, या संजय दत्त नहीं हो, या कोई स्टार नहीं, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है क्या, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है क्या यार, है भाई, तुम्हारी लाइफ के हीरो हो तुम यार, अपनी लाइफ की हीरो बनो यार बस, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भाई हीरो मानते हैं विराट कोहली जी से ऊपर, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, तुम्हारे फॉलोअर्स कम है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कम नहीं है, अपना वजूद बनाओ यार, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा भाई ये कम चल रहा है या वो है, तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करना है अभी, और जितना करा है अच्छी बात है, और अचीव करना है, ये नहीं कि गम में जा रहे हैं दारू पी के भाई पागल हो गए स्टेटस उल्टे डाल दिए, नो, और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, वीडियो खत्म हो गई, तुम्हें कुछ बोलना है बोल ले, अगला टॉपिक सॉलिड होगा भाई, बाकी तो यार काम करो और नाम करो, मेहनत करते रहो यार, काम करते रहो बस, डोले शोले बनाएंगे भाई।